तो फ्रेंड जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ एक और स्टूडेंट है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी। यहाँ पे इनका ये 4G हैंडसेट जो कि अभी ऑन है, क्या मॉडल है ये? नोट 4 है सर, हमारी रेडमी नोट 4। अभी क्या करने वाले इसमें आप बताएं? इसका लाइव सीपीयू निकालूंगा, सीपीयू निकाल के लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग वोल्डिंग लोगो भी आ रहा है इसमें, मतलब पूरी तरह से मोबाइल इनका ऑन है। तो सीपीयू निकालेंगे, रिवॉल्व करके और मैं इसे कितने दिन में सीखे सब कुछ आप? ये सर मेरे 6 दिन आ चुके, 4 क्लास हो गए। सुबह की क्लास चल रही है, 9:30 बजे हो रहे हैं। इससे पहले मैंने ईएमएमसी और पावर लगा लिया है सर। दोनों आप पहले यहाँ पे कर चुके हैं, पावर भी कर लिया, ईएमएमसी कर लिया, सीपीयू करना बाकी है। उसके बाद ब्लैक पेस्ट भी आपसे करवाएंगे, ठीक है? पहले कभी ऐसा सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करके लगाया? कभी नहीं, कभी नहीं सीखे ना सब? यस सर, सब। चलो अभी मोबाइल का सीपीयू निकाल लिया, रिवॉल्व करके बताइए, फिर कंटिन्यू वीडियो लेता हूँ आपका। बीच में रिवॉल्विंग का स्किप करेंगे, ठीक है? देखो थोड़ा सा लगाना, बस 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 बस, चलो सीपी लगाओ बस। ठीक है, मैच करिए कॉर्नर। करेक्ट, और जान लो, और जान लो, बस अब ऊपर से राइट साइड से, राइट साइड से, साइड से यूएमसी के पास से, हाँ इधर से रख लो, नीचे से साइड से यूएमसी के पास से, हाँ वहाँ से ऊपर थोड़ा और ऊपर से रख लो, हाँ रख लो और रख लो ऊपर से, बस थोड़ा बस, एक मिनट मेरे को देखने दो, बस 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 कुछ मत, बस छोड़ो। देखो ऐसे हीट ऐसे दोगे, इस सेंटर में लेना, सेंटर से देखो इधर ऐसे ऐसे बढ़ा के, फिर खड़ा ऐसा हाथ, ऐसा हाथ, ऐसा सीधा कितना खड़ा कर सकते हो? हाथ घूमते रहना चाहिए, रुकना नहीं, ठीक है? सेंटर से अतराफ तक, वेरी गुड। थोड़ा और हाथ नीचे जान लो, ठीक है? ठीक है सर, थोड़ा हाथ नीचे, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा येलो पेज डालो, बस वो रहने दो हाथ में, इधर से पेंच लो, साफ पेंच लो और साइड से उसको हिट दो, पलटा दो इधर, इधर से डालो पेंच, तो इधर आईसी को मत टच करना, ठीक है? और दो पेस्ट साफ वाला देख के लो, आईसी के अंदर जाना चाहिए पूरा पेस्ट, इधर से हिट दो, इधर से हिट दो, और थोड़ा पेस्ट ऊपर साइड से डालो, पेस्ट पे हिट दो, वो नीचे जाएगा आईसी में, बस ले लो ले, ऊपर से आईसी के ऊपर साइड से, हाँ टच मत करो आईसी को, दो हिट दो उस पर, गिरेगा पेस्ट नीचे, बस बस बस, चलो सेंटर में हिट दो, अच्छा हिट दो, पूरा घुमाओ फोर साइड, थोड़ा सा कोशिश करो टच करने की, बिल्कुल बाल भरा हो, घुमाओ हाथ, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड टच करो, राइट हैंड घुमाओ,
छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो ये हाँ ठीक है चलो ठंडा होने तो फूको उसको जल्दी से इसका डिस्प्ले लाना नोट फोर का वहाँ रखा दो टच मत करो फूको उसको जल्दी से फूक रहा है चलो निकालो ये जो साफ मत करो छोड़ दो ये जो बॉल है छोड़ दो इसको इसको छोड़ दो छोड़ दे निकालो डायरेक्ट लगा दो ऐसे क्लीन मत करो अल्टा ना किसी को लग रहा है ऐसी नहीं इसलिए पहले डिस्प्ले लगाओ चार्जिंग का पत्ता लगाओ बहुत ठंडा ठीक है सर बोर्ड दबाओ मत दबाओ मत दबाना नहीं रही चलो लगाओ लगा दो डिस्प्ले अच्छा लगाओ अंदर डिस्प्ले लगाना चाहिए रुको रुको एक मिनट बैटरी निकली नहीं निकली भी नहीं अरे डिस्प्ले चार्जिंग पत्ता लगा अरे साहिल अरे साहिल 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 इसके बाद ये वाला लगाएंगे क्या हैंड सेट है ये MI 4X 4X सीपीयू लगाना उसको यहाँ पे पहले डिस्प्ले का पत्ता लगाते हैं उसके बाद चार्जिंग का पत्ता लगाएंगे और चार्जर केबल लगा के चेक करेंगे कि लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है लगाओ चार्जिंग केबल लगाओ शाबाश वेरी गुड क्लैप करो इसके लिए एक बार जोर से वेरी गुड क्या नाम आपका मेरा नाम चंदन कुमार हुआ सर हाँ मेरा नाम चंदन कुमार हुआ कहाँ से है? मैं देवघर झारखंड से हूँ झारखंड से अभी यहाँ पे Redmi Note 4 का CPU आप लाइव खुद लगाए ना अभी यस सर खुद लगाया खुद निकाले रिवॉल्विंग के खुद पहले आपको किस पे कराए थे कीपैड पे कराए थे लगता होगा कि 4G में मैं करूंगा कि नहीं करूंगा बिल्कुल आपको बताए थे कि 4G पे भी कराएंगे उसके बाद ब्लैक टेस्टेड व्हाइट टेस्टेड पे भी कराएंगे सब कुछ बताए थे ना यस सर बताया पहले कीपैड किए उसके बाद जियो किए उसके बाद Redmi Note 4 हैंडसेट का लाइव CPU लगाया कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है सर बेस्ट लग रहा है बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कितने दिन में अभी आप सीख गए सब कुछ ये पांचवा दिन है सर मेरा पांचवा दिन और पांचवा दिन में मैंने CPU खोल के और रिवॉल्व करके वापस लगा दिया अच्छा ये बताओ कितने घंटे की क्लास है यहाँ पर 8 बजे सुबह से लेके 8 बजे रात तक की क्लास है यहाँ पर एक दो स्टूडेंट और भी यहाँ पे देखा जा रहे हैं लोगों को क्या आप बताओ क्या ये जो कह रहे हैं झूठ तो नहीं कह रहे हैं नहीं सर झूठ नहीं कह रहे सर ये हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं सुबह 8 बजे से रात 8:30 बजे तक पढ़ाई होती है आप मुझे बताओ एक अंतर बताओ यहाँ इंस्टीट्यूट में और देश के अलग इंस्टीट्यूट में क्या अंतर है बहुत अंतर है सर बहुत अंतर बताओ एक अंतर बताओ पहला अंतर तो सर आपका टाइमिंग का है आज सुबह 8 बजे से रात 8:30 बजे इंडिया में कभी नहीं सर कोई नहीं देता है ये सर दूसरा अंतर आप बताओ कोई इंस्टीट्यूट में सिर्फ सॉफ्टवेयर सिखाई जाती है दूसरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ हार्डवेयर सिखाई जाती है वो भी प्रॉपर नॉलेज नहीं देते हैं तो इधर हमको सब मिल रही है सर यहाँ पर क्या अंतर होगा सर यहाँ पे बेसिक से लेके चिप लेवल तक टोटल है सर उसमें स्टार्टिंग बेसिक से सिखाया जाता है कि आगे फिर इसकी वजह से
सब पूरा कर सकते। ये देखो ये बहुत अच्छा बोले, स्टार्टिंग बेसिक से सिखाया जाता है। आपको ऐसा तो नहीं है कि आते साथ सीधे ही एमएमसी निकलवा दे, नहीं नहीं सर, और निकलवा के माइक्रो जंपर करवा रहे हैं और ये पता भी नहीं है कि हम कर क्यों रहे हैं। नहीं 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 ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग से मुझे रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह कंपोनेंट दिया है, कंपोनेंट के ये दिए नॉलेज, उसके बाद में सर एमएमसी पावर आईसी और सीपीयू का दिया। यहाँ पर बैठा हर स्टूडेंट जितना भी आपके साथ है सब यहाँ पे अपना लाइव मोबाइल में काम किया है कि नहीं किया है, वो भी अभी तीन चार दिन में ही, चार दिन में ही। क्या किया बताओ, क्या किया? मैंने इसका MI Note 4 है सर, Note 4 का मैंने आज लाइव सीपीयू जो है निकाला, सेट ऑन थी, प्रॉपर ऑन थी, उसके बाद मैंने ये आपने प्रैक्टिकल के लिए अपने लिए, ये से पहले कभी सीपीयू बनाया आपने? सर कभी नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया, और ये आपने चार पांच दिन में ही किया है? आज मेरा पांचवा दिन है आपका, और आज 11:30 बज रहे हैं। और कितने बजे आए थे यहाँ पर? आठ बजे आए थे और मैंने इसका लाइव सीपीयू निकाला बोल करके फिर से वापस लगाया, और मेरी सेट क्लैप बजाओ भाई इनके लिए आ रही जोटा। चलो थैंक यू वेरी मच, इसी तरह देखते रहो। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तान में बहुत इंस्टीट्यूट हैं, हर कोई आपको वही रिव्यू देता है जो सब देते हैं, पर यहाँ के रिव्यू में आप एक चीज़ अंतर आप ये समझेंगे कि हमारी टाइमिंग सबसे अलग है। हम बिल्कुल सुबह 8 बजे से 8 बजे तक बैठे हैं, हमारे पास में जो टीम है वो बहुत स्किल टीम है और ऑलरेडी एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि एक साल दो साल में कहीं सीख कर आकर बैठ कर सिखाने लगे। तीसरी अलग बात, सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ कंसेप्ट हमारा पढ़ाने का जो तरीका और सिस्टमेटिक हमारा तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं है कोई सभी सेक्शन कभी ले लिया, एक दिन में हम चार सेक्शन करवाते हैं कभी नहीं करवाते, हम हमेशा एक सेक्शन को पकड़ के चलते हैं और हम पहले उसको पूरा थ्योरी पूरा बेसिक और उसके स्कीमेटिक लेवल पे बताते हैं, बिल्कुल फिर प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स के बारे में, और उसमें हम खुद टेस्ट करके दिखाते हैं इनको एक लाइव मोबाइल में, ये भी नहीं कि डेड मोबाइल में, और उसकी लाइव आईसी निकाल के दिखाते हैं कि अंदर वो सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें के लिए टाइम लगता है, 10-15 दिन में ही कोर्स हो सकता है क्या? नहीं सर, कभी नहीं हो सकता है सर, और लाइव मोबाइल भी हम लोग को खुद से लेके आने पड़ते हैं यहाँ पे सर, और खुद से हम खुद के मोबाइल में प्रैक्टिकल करने। हाँ, स्टूडेंट अपने खुद के मोबाइल में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।